हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 28, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो पहले हम बात करेंगे रेशियो का कि रेशियो क्या होता है, एंड देन फिर हम प्रोपोर्शन देखेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। सो अगर आप किसी भी दो चीज़ का कंपेयर कर रहे हो, उसका डिफरेंस निकाल रहे हो, तो उसको हम बोल सकते हैं रेशियो। सो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम फाइनली रेशियो फाइंड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ईच एग्जांपल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है पहले? तो आपको क्या बोला है कि फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, फर्स्ट वाला नंबर हुआ ये और सेकंड वाला नंबर हुआ ये, तो इन दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है। डेट मीन्स आप 24/56 फर्स्ट वाले से सेकंड वाले का फाइंड करना है, तो हम इसे डिवाइड के फॉर्म में लिख लिए, मतलब 24/56। अब हम इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 25:56, ये जो है आपका, ये जो दो डॉट दिए रहते हैं, ये होता है रेशियो का साइन, ठीक है। लेकिन हम इसे रीड क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 25:56 है, तो आप इसे क्या रीड करोगे, 25:56। तो हमें इन दोनों का ही रेशियो फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सॉरी 24:56, देन फिर 24/56, और आप रेशियो कैसे फाइंड करोगे, इक्वल टू, आपको ये देखना है कि ये दोनों जो है वो किसके टेबल में दोनों ही आते हैं। तो अगर आप देखोगे कि 8 के टेबल में 24 भी आता है और 56 भी आते हैं, दोनों जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 1 के टेबल में ही आने चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तो ही आप उसको लिखोगे, अदरवाइज नहीं। तो 8 के टेबल में दोनों आ रहे हैं ना, 8 3 ज़ा 24, एंड यहाँ पे ये 8 7 ज़ा 56, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 8 गेट्स कैंसिल एंड रिमेनिंग क्या हो गया, 3/7, ठीक है। 8 8 टू कैंसिल हो जाएंगे और जो बचता है हम उसे लिख देते हैं 3/7। तो ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर। वैसे ही आपको सेकेंड बोला है, सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 63 और 49। तो आप इसका रेशियो कैसे फाइंड करोगे, द रेशियो ऑफ 63:49, सेम आपको सेम ही करना है, 63:49। अब आप देखो कि ये दोनों जो है वो किसके टेबल में आता है, दोनों ही आने चाहिए, सेवन के टेबल में 63 भी आता है और 49 भी आता है, तो हम ऊपर भी 7 लिखेंगे और नीचे भी 7 लिखेंगे। अब कितनी बार में आता है ये, 9 बार में, तो 7 9 ज़ा 63, और ये कितनी बार में आता है, 7 7 ज़ा 49। तो सेम 7 7 गेट्स कैंसल एंड बचा क्या, 9/7, ये हो गया आंसर। तो ऐसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 52 और 65, आपको इन दोनों में से आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, 52:65। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को देखोगे कि दोनों किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है दोनों, 13 के टेबल में, तो 13 के टेबल में आता है, तो हम ऊपर भी 13 लिखेंगे और नीचे भी 13 लिखेंगे। कितनी बार में आता है, 13 4 ज़ा 52 एंड 13 5 ज़ा 65। सो 13 13 गेट्स कैंसल, 4/5, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है या फिर आपको एक डाउट होता होगा कि हम कैसे देखेंगे कि दोनों किसके टेबल में आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपके लिए एक और मेथड भी है कि आप क्या कर सकते हो,
जैसे कि 24 और 56 है, तो आप इन दोनों का फैक्टर निकाल के देख सकते हो। 24 का पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे मतलब जो स्मॉल होता है नंबर उससे स्टार्ट करते हैं, वन को छोड़ के। तो यहाँ पे टू से लेके जाइए, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, ठीक है। फिर टू से टू सिक्स ज़ा टू वन, फिर टू से ये कैंसिल हो जाएंगे कितने बार में, थ्री बार में, एंड देन फिर थ्री वन ज़ा थ्री। वैसे ही आप 56 का भी फैक्टर निकालते हो तो स्मॉल नंबर से यहाँ पहले लेके जाओगे। टू से फैक्टर लेते हैं, टू टू ज़ा फोर, एट कैरी इसको दिया तो एट, ठीक है। तो यहाँ पे टू एट ज़ा सिक्सटीन, मतलब 28। फिर टू से 14, फिर टू से ये कैंसिल होंगे 7, एंड देन फिर 7 वन ज़ा 7। तो आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर अगर इसका निकालोगे तो आप क्या करोगे, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, तो इसको एक बार लिखेंगे इंटू, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, तो इसको एक बार लिखेंगे। वैसे टू यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो इसको एक बार लिखेंगे। बट यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे सेवन है, और यहाँ पे सेवन है, तो यहाँ पे थ्री है, तो हम इन दोनों में से किसी भी नंबर को नहीं लिखेंगे। तो टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो डैट मीन्स आपको यहाँ पे पता चल गया कि आप एट के टेबल में ही दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद से कर लेना। सेकेंड नंबर में क्या होता है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। इसमें आपको क्वांटिटी दी हुई है, मतलब कि कितने ब्रेड हैं, कितने कितना लीटर है, कितने पैसे हैं, कितने रुपीज़ हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको इससे फाइंड करना है सेकेंड वाले से, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले में किया। 25 बीट्स एंड 40 बीट्स। सो आप इसमें भी सेम वही चीज़ अप्लाई करोगे, इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, 25:40, इन दोनों के बीच में रेशियो हमें फाइंड करना है। तो 25:40 आप क्या लिखोगे, 25/40 इक्वल टू। अब आप देखो कि दोनों किसी किसके टेबल में आते हैं, तो दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं। 5 5 ज़ा 45 एंड 5 8 ज़ा, सॉरी 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40। कितनी बार में आते हैं ये 5 के टेबल में, 5 बार में कैंसिल होते हैं और ये 8 बार में। तो ये 5 5 गेट्स कैंसिल एंड बचा के 5/8, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, 5:8। आपको रेशियो ही फाइंड करना था, तो आप सारे नंबर्स में लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3:7, रेशियो 3:7, वैसे इसमें 9:7, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाले में आप लिखोगे 4:5। तो ऐसे इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। वैसे इसका सेकेंड एग्जांपल भी देखते हैं। सेकेंड वाले में आपको दिया है 40 रुपीस एंड 120 रुपीस। सो आप क्या करोगे, 40:120, सो 40/120। आप यहाँ पे इसे एक बार में मतलब इसे स्मॉल भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 0 0 गेट कैंसिल कर दो तो आपको बचा क्या, 4/12। अब आप इसको लेके करो, 4/12। अब देखो कि 4 जो है वो किसके टेबल में आता है और 12 दोनों ही एक टेबल में आते हैं या नहीं। तो 4 के टेबल में ये दोनों भी आते हैं, 4/4 इंटू, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो 4 4 गेट्स कैंसिल एंड 1/3। दैट मीन्स आप आंसर में लिखोगे 1:3, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, फिफ्टीन मिनट्स एंड 1 आवर। सो कैसे करेंगे, अब पहले आपको दो, अगर ये मिनट में दिया है, ये आर में दिया है, दैट मीन्स आपको दोनों ही पहले मिनट में कन्वर्ट करने होंगे, तभी ये होगा, ठीक है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना,
तो 1 आवर हम इज इक्वल टू लिख लेंगे 60 मिनट्स। अब ये दोनों भी मिनट्स में हो गए, ये भी मिनट्स में हो गए और ये भी मिनट्स में हो गए। तो अब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे, 15:60, ठीक है, 15:60। तो 15/60 इज इक्वल टू, दोनों किसके टेबल में आते हैं सेम, 15 के टेबल अगर हम देखते हैं तो 15 1s are 15 एंड 15 4s are 16, सॉरी यहाँ पे 15 होगा बिकॉज दोनों 15 के टेबल में ही आते हैं ना, तो यहाँ पे 15 होगा। तो 15 के टेबल में दोनों को हम कैंसिल कर रहे हैं, कितनी बार में 15 1s are 15 एंड 15 4s are 16, तो यहाँ पे जो 15 है वो कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे 1/4। तो ये रहा थर्ड वाला। फॉर एग्जाम्पल सेम वैसा ही आपको जो 6 वाला दिया हुआ है वैसे ही आपको करना है, 1 लीटर आपको दिया हुआ है और आपको करना है इसका रेशियो आपको फाइंड करना है, और दूसरा आपको दिया है 250 मिलीलीटर। तो या तो हम दोनों को मीटर लीटर में रखेंगे या फिर दोनों को ही हम मिलीलीटर में रखेंगे, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों का रेशियो आप फाइंड करोगे, दैट मीन्स 1000:250, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेम वैसे हम इसको भी 0 0 गेट्स कैंसिल कर लेते हैं, तो 1000/250 अगर 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 100 और 25। अब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे कि इन दोनों में देखोगे कि आप ये दोनों ही किसी के किसके टेबल में आते हैं, तो 25 के टेबल में ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, 25 25 ये आता है, 25 4s are 100 and 25 1s are 25 गेट्स कैंसिल एंड 4/1 दैट मीन्स 4:1। सो इस तरीके से आज लेक्चर नंबर 1 था। तो ऐसे ही हम जो अदर क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं वो लेक्चर नंबर ऐसे ही 2, 3 या फिर कर करके ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, प्रैक्टिस है 28 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और हम जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो लेक्चर नंबर 2 में इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।